अस्सलाम वालेकुम, आपकी खैरियत चाहने वाला खैरियत से है। आज हम इस वीडियो में फैसलाबाद सिटी टूर का पार्ट टू पेश कर रहे हैं। इससे कबल हमारी वीडियो फैसलाबाद सिटी टूर का पार्ट वन से मुतल्लिका थी। ये है फैसलाबाद शहर का वेस्ट केनाल रोड अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक खूबसूरत रिहायशी इलाका है। अब्दुल्लापुर केनाल रोड का इलाका इंतहाई खूबसूरत है। केनाल रोड पे मतअद्दद शॉपिंग मॉल्स, मार्बल्स, टाइल्स शॉप्स, शादी हॉल्स, होटल्स, कार शोरूम्स, कार डेकोरेशन शॉप्स, आला तालीमी इदारे और दीगर मौजूद हैं। अब्दुल्लापुर केनाल रोड का ज़मीन दोस्त पानी मीठा है, बल्कि मिनरल वाटर की तरह है। सुबह के वक्त लोग अब्दुल्लापुर के इस खूबसूरत केनाल रोड पे वॉक करने के लिए आते हैं। अब्दुल्लापुर केनाल रोड के इर्द गिर्द तारक आबाद, मंसूराबाद, पीपल्स कॉलोनी, सूसा रोड, मदीना टाउन और दीगर रिहायशी इलाके मौजूद हैं। अगर आप फैसलाबाद के नक्शे को सामने रखें तो इस नक्शे में अब्दुल्लापुर का इलाका बिल्कुल सेंटर पे नजर आता है। अब्दुल्लापुर केनाल रोड का नुसरत फतेह अली खां अंडरपास। अब्दुल्लापुर केनाल रोड पे मौजूद है रफान मेज प्रोडक्ट्स फैसलाबाद। रफान मेज प्रोडक्ट्स के मेन गेट के साथ रफान मेज प्रोडक्ट्स का पोस्ट ऑफिस। अब्दुल्लापुर केनाल रोड की नहर की दूसरी जानब मौजूद है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अब्दुल्लापुर। इस कॉलेज में बीकॉम और एमकॉम के प्रोग्राम्स जारी हैं। अब्दुल्लापुर में जड़ावाला रोड पे मौजूद है गवर्नमेंट म्यूनिसिपल ग्रेजुएट कॉलेज, जिसका पुराना नाम था खालसा कॉलेज लैलपुर। अब्दुल्लापुर चौक में मौजूद खूबसूरत मसनूई आबशार। चौक अब्दुल्लापुर क्रॉसिंग पुल से दिलकश मंजर। आपकी स्क्रीन के जो बाएं जानब पुल है, इसके जरिए आप अब्दुल्लापुर चौक से ऊपर की जानब घंटाघर और दीगर मुकामात की तरफ जाते हैं, जबकि दाएं जानब पुल के जरिए नीचे की जानब आप वापसी पे अब्दुल्लापुर चौक की तरफ आते हैं। अब्दुल्लापुर चौक के बाएं जानब जाते हुए केनाल रोड, गटवाला पार्क और दीगर शहरों के लिए बजरिया मोटरवे रास्ते निकलते हैं। आबशार के साथ बाएं जानब मौजूद हैं पीपल्स कॉलोनी, सत्याना रोड, समुद्री रोड और दीगर मुकामात।
बजरिया कैनाल रोड कटवाला पार्क की तरफ जाते हुए हम पहुंच चुके हैं कटवाला पार्क फैसलाबाद में। कटवाला पार्क शेखपुरा रोड फैसलाबाद पे वाक़या है। कटवाला पार्क का कुल रकबा तकरीबन 131 एकड़ है। कटवाला पार्क का मजीद एक और अंदरूनी हिस्सा इस हिस्से में झील के अंदर खूबसूरत कश्तियां, खूबसूरत बतखें, झील के ऊपर दिलफरेब पुल, कंटीन, पहाड़ी और दीगर शामिल हैं। कटवाला पार्क का मजीद एक खूबसूरत सेंटर जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर। इस सेंटर के क्याम का बुनियादी मकसद नायाब और कीमती जंगली हयात को बेहतरीन माहौल मुहैया करते हुए बेहतर तौर पर अफजाइश करना है। इस ब्रीडिंग सेंटर में अफजाइश नस्ल के मकासद के लिए नायाब नस्ल के तोते, मोर, वाइट मोर, हिरन, इंडियन हिरन, काला हिरन, नील गाय, जंगली भेड़ और दीगर जंगली हयात लाए गए हैं। इस सेंटर पे परिंदों को कंप्यूटराइज्ड माइक्रोचिप लगाई जा रही है जिसकी मदद से परिंदों की ट्रैकिंग का काम लिया जाएगा। मजीद इस कंप्यूटराइज्ड माइक्रोचिप के जरिए परिंदों का मुकम्मल रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और इसके साथ चिप वाले परिंदों की सेहत और अफजाइश का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। महकमे जंगलात से वाबस्ता अफसरान से गुजारिश है कि वो जंगलात और वाइल्ड लाइफ के मजीद बेहतर तहफ्फुज़ व फ़ुरूग के लिए मजीद बेहतर बरवक्त अमली इकदामात को अपनाएं। आवाम को बेहतर तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए महकमे जंगलात को मजीद बेहतर जदीद तकाजों के मुताबिक पॉलिसियां मरतब करने की ज़रूरत है। जंगली हयात का तहफ्फुज हम सब की भी जिम्मेदारी है। Thank you.
जंगली हयात माहौलियात को मतवाजन रखते हैं, जिससे माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जंगली हयात किसी भी मुल्क का कीमती असासा होती हैं। यहाँ पे है सिटी हाउसिंग फैसल आबाद। सिटी हाउसिंग फैसल आबाद सरगोधा रोड पे वाक़े है। यहाँ पे प्लाट्स की खरीदो फरोख्त का अमल तेजी से जारी है। सिटी हाउसिंग फैसलाबाद शहर की जदीद तरीन रिहायशी स्कीम है। सिटी हाउसिंग फैसल आबाद का संगे बुनियाद चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन साहब ने रखा। यहाँ पे जदीद तरीन रिहायशी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिटी हाउसिंग फैसलाबाद में 24 घंटे बिजली की बिला तआतुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आलमी मायार के स्कूल्स, कॉलेजेस, हस्पताल्स, शॉपिंग मॉल्स और दीगर तफरीही मराकज कायम किए जा रहे हैं। सिटी हाउसिंग फैसलाबाद का खूबसूरत जू एरिया। सिटी हाउसिंग स्कीम फैसलाबाद के शहरियों के लिए रिहायशी सहूलियात के जदीद तकाजों से मुजयन है। Thank you.
ये है फैसल आबाद का फैसल आबाद मेट्रो कैश एंड कैरी। फैसल आबाद मेट्रो कैश एंड कैरी सरगोता रोड पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। यहाँ पे सरगोधा रोड पे मौजूद है हाइपर मार्ट। ये है समंदरी रोड। ये है गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद फैसल आबाद। तारक आबाद के बिल्कुल करीब रेलवे स्टेशन और अब्दुल्लापुर का इलाका मौजूद है। ये स्कूल 1910 में बना। इस स्कूल में 30 क्लासरूम्स, 35 टीचर्स, तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स, एक साइंस लेबोरेटरी और दीगर मौजूद हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद फैसल आबाद शहर की असीम इल्मी दरसगाह है। इस स्कूल से पाकिस्तान की बहुत सी नामवर शख्सियात ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। इस स्कूल के असातिज़ा बहुत काबिल और मेहनती हैं
और स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं। इस स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाता है। स्कूल में खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियों को भी ख़ास अहमियत हासिल है। स्कूल की अच्छी कुशादा इमारतें, क्लासरूम्स, अच्छा माहौल और नज़्म व ज़ब्त और अच्छे काबिल मेहनती असातिज़ा ने इस स्कूल को एक मिसाली स्कूल बना दिया है। घंटाघर की तरफ से कारखाना बाजार में दाखिल होते हुए बाएं जानब मंदिर गली है। इस मंदिर गली में होलसेल क्लॉथ की बहुत बड़ी मार्केट है। मंदिर गली में होलसेल रेट पे आला क्वालिटी के कपड़ों की मुतअद्दद स्टॉल्स और शॉप्स मौजूद हैं। ये है फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद। फैक्ट्री एरिया मार्केट सोफा क्लाथ, पर्दा क्लाथ, तैयारशुदा पर्दे, कंबल सेट, कॉटन साटन, कॉटन बेडशीट, चाइना पर्दा, चाइना बेडशीट और फैंसी रजाई सेट वगैरह के लिए खास पहचान रखती है। यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा होलसेल रेट पे। मेरे YouTube के चैनल पे मंदिर गली, फैक्ट्री एरिया, घंटाघर के आठ बाज़ार और दीगर से मुतलका अलग से तफसीली वीडियो भी मौजूद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।